विजय शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विषय विज्ञान क्लास 9th चैप्टर 6। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कोशिका होता क्या है ना। कोशिका हमने अपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा कि कोई से भी जीव है उसका क्या होता है, रचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, आपका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी चैप्टर के बारे में कोशिका के बारे में ही हम इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने, अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि आपने एक कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, है ना, बहु कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। अगर एक आपका सेल है तो उसको हम एक कोशिका बोलते हैं, और एक से ज़्यादा कोशिका पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहु कोशिका पाए जाते हैं, है ना। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा कि उसकी आकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसे होता है, उसका अवलोकन आपने किया था, उसको ऑब्जर्व किया था, है ना। तो मोस्टली आपने क्या देखा होगा, तीन चीज़ें उसमें आपने देखी होगी, है ना, कि क्या बोलते हैं, आपका ये केंद्रक होता है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये पूरा क्या है, आपका कोशिका है, केंद्रक होता है ना, आपका क्या है, कोशिका झिल्ली होती है, और ये क्या होता है, आपका कोशिका द्रव्य, है ना। इतना आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर ये एक है, किसी भी क्या बोलते हैं, अगर एक ही कोशिका है तो एक कोशिका, अगर एक से ज़्यादा है तो बहु कोशिका इसको बोलते हैं। ये सारे उसकी आकृति आकार के बारे में हमने देखा था। वैसे ही एक वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट की जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया उसे सेल नाम दिया। ठीक है, तो ये जो सेल है, कोशिका है, वो कहाँ से आया, जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क, है ना, कॉर्क की पतली काट, कॉर्क क्या होता है, जब आप पादप देखेंगे, पेड़ देखेंगे, तो उसका जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क को लिया, उसका पतला सा काट किया, उसको क्या किया, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा, और फिर उसी को क्या देखा कि उसका कैसा है, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, मधुमक्खी का छाता इस प्रकार से बना होता है, बीहाइव जैसे, वैसे ही उनको मिला और उसी को नाम क्या दे दिया, सेल दे दिया। ठीक है, आइए हम विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से कोशिकाओं की व्यवस्था व कार्यों को समझने का प्रयास करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारा क्रियाकलाप करेंगे जिससे हम क्या करना है हमको, कि कोशिका है एक नहीं, बहुत सारी कोशिकाओं की व्यवस्था की कैसे होती है, कार्य कैसे होते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन। तो आपको पता है कि सिर्फ एक कोशिका आपको नहीं मिलेंगे, आपके बॉडी में बहुत सारे अलग अलग कोशिका आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपका क्या रहेगा, नर्व सेल अलग है, आपका क्या बोलते हैं, ब्लड सेल अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सेल अलग होता है, तो ये सारे क्या अलग अलग सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए, इन क्रियाकलापों में आपको ब्लेड, स्लाइड, कवर, स्लिप, माचिस की तीली, रियो की पत्ती, आइसक्रीम की चम्मच, लाल स्याही, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी, जो भी हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। तो पहला क्रियाकलाप क्या है आपका, ठीक है, माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अवलोकन। तो हम क्या करेंगे, माचिस की तिल्ली लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें माचिस की तिल्ली लेना है, उसको एक घंटा तक के लिए पानी में डुबा देना है। फिर उसको क्या करेंगे, डुबा के रखेंगे, फिर एक घंटे के बाद उसको निकालेंगे और उसका छोटा सा कट करेंगे, और उसको क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे, स्लाइड में क्या करेंगे, उसको रख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ कवर स्लिप है ना, कवर स्लिप क्या होता है, कांच ऐसा प्लास्टिक का रहता है, उसके ऊपर आपको रखना है। उसको अच्छे से देखने के लिए आप लाल स्याही लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें लाल स्याही या फिर सैफ्रिन लगाएंगे या आलता लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें अलग से कलर ला देता है, और फिर हमको वो चीज़ें देखने में आसानी होती हैं। तो वो लगा के आप कवर स्लिप लगा देंगे, और फिर आपको क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी से देखना है, और फिर जो भी आपका जो पिक्चर रहेगा उसको क्या करना है, उसको आपको बनाना है। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, माचिस का जब आप काट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यही पिक्चर को आपको क्या करना है, इस पिक्चर में दिया है उससे कंपेयर करना है। तो जो आपने क्रियाकलाप करके जो आप
आपका अवलोकन आया है और ये जो है आपका पिक्चर उससे कितना मैच आ रहा है आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में आपको चित्र दिखाई दे रहा है जो रॉबर्ट ने 1665 में कॉर्क का अवलोकन किया था उसका चित्र है, तो आप देखेंगे कि दोनों में आपको समानताएँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्रियाकलाप में क्या करना है समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। तो दूसरा क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, आपको लेना है रियो लीफ, है ना। क्या लेना है आपको, रियो लीफ लेना है। उसका क्या करना है, निचले, है ना, रियो लीफ क्या करना है आपको, उसका पिछला परत को जो रहेगा उसको निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, बहुत सारा निकाल लीजिएगा, आपको पतला चाहिए तो उसको आप निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर पानी में डुबा देंगे। तो जो सबसे पतला होगा, जो ऊपर तैरता रहेगा, उसको आप लेना है, ठीक है। उसको भी आप क्या करेंगे, स्लाइड में रखेंगे, स्लाइड में उसमें कुछ क्या करेंगे, कुछ बूंद पानी क्या बोलते हैं, आलता डाल सकते हैं, सैफ्रन डाल सकते हैं, या फिर आप क्या लाल स्याही डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कवर स्लिप डालना है और फिर क्या करना है आपको, उसको सूक्ष्म में देखना है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, रक्षी कोशिकाएं। आखिर आपने किसका देखा है अवलोकन, हम किसका कर रहे हैं, पत्ती का। तो उसमें आप जब पत्ती देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, रक्षी कोशिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है, वो रक्षा करता है। और ये क्या है आपका, रंध्र, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जो भी आपका CO2 है अंदर आना, O2 है बाहर जाना, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, आपका स्टोमेटा से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ चित्र देखने को मिलेगा जब आप उसका अवलोकन करेंगे तो, ठीक है। पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन और निम्नलिखित सवालों के जवाब दे। जब उसका आप अवलोकन करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं, उसको आपको वो देखना है और उसका उत्तर देना है। क्या सारी कोशिकाएं एक समान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं क्या वो एक समान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी कोशिकाएं आपको एक समान देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, कोशिकाओं में कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा देगा आपका, हमने क्या देखा है, गार्ड सेल देखा मोस्टली आपका, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है हमको, स्टोमेटा दिखाई दे रहा है और कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं। यह क्रियाकलाप आप जिमीकंद अथवा जासन, गुड़हल या अन्य किसी मांसल पत्ती से भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको क्या करना है, रियो लीफ ही लेना है। आप जिमीकंद का भी ले सकते हैं, गुड़हल का भी ले सकते हैं, जो मांसल हो, है ना, उसका आप पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पत्ती की निचली सतह की परत निकालकर लाल चित्र क्रमांक 2 रियो की पत्ती की निचली सतह स्याही आलता सैफ्रिन के हल्के घोल से अभिरंजित कर स्लाइड बनानी होगी। तो इसके लिए भी जैसे हमने क्रियाकलाप 2 में किया था, पिछली सतह को निकालना है, ठीक है, उसमें आलता डालना है, कवर स्लिप करना है और उसको अवलोकन करना है, जैसे आपने किया था वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रियाकलाप 3 में आपको क्या करना है, आइसक्रीम का जो स्टिक होता है उसको लेना है, ठीक है, और आपका जो गाल है ना अंदर साइड, उसको क्या करना है, खुरेदना है, और खुरेद के यहाँ पर भी आपका जो अंदर का सेल है उसको निकालना है। उसको निकाल के क्या करेंगे आप, बीच मतलब कि रख देंगे, फिर उसके बाद कवर स्लिप डालेंगे और उससे पहले आप क्या करेंगे, सैफ्रिन डाल सकते हैं, आलता जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उसका अवलोकन करना है। जब आप अवलोकन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली क्या है आपका, केंद्रक, है ना। केंद्रक मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियस, जो आपको हर एक सेल्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हर सेल में क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्रियाकलाप 3 में क्या करना है। तो हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले हमने माचिस की तिल्ली में देखा है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं पत्ती में देख लिया, और क्या ह्यूमन चीक, है ना, मतलब कि हमारे गाल का भी अवलोकन कर लिया। तो गाल की कोशिकाओं का अवलोकन क्या हुआ, चित्र क्रमांक 3 गाल की कोशिकाएं नीली स्याही से रंग किया हुआ है ना। तो हम वहाँ पर आप लाल भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ, नीला यूज़ किया हुआ है। गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो आप मोस्टली देख सकते हैं कि उसमें क्या मिलेगा आपको, द्रव्य उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपको क्या देखने को मिल जाएगा,
कोशिका द्रव यानी कि क्या है, साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दो समानताएं आप लिख सकते हैं। गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में कोई एक भिन्नता लिखिए। तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम गाल का देख रहे हैं कोशिका, तो उसमें हमको क्या नहीं मिलेगा, स्टोमेटा नहीं मिलेगा, हमको गार्डसन नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब पत्ती का देख रहे हैं तो उसमें हमको वो मिल रहा था, ठीक है। तो एक भिन्नता आप लिख सकते हैं। कोशिकाएं देखने के लिए हमें अक्सर सूक्ष्मदर्शी की मदद लेनी पड़ती है। अगर हम क्या करते हैं, मोस्टली जैसे भी हमने देखा तीन क्रियाकलाप किए, तीनों में हमको क्या यूज़ करना पड़ रहा है, सूक्ष्मदर्शी मतलब कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, है ना। मगर नींबू संतरा जैसे फलों में रस भरा एक छोटा भाग, मछली और मुर्गी के अनिषेचित अंडे इत्यादि कोशिकाएं हैं जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप नींबू देख रहे हैं, है ना, नींबू का क्या है आपका, संतरा जैसे फलों में रस भरा एक छोटा भाग आप ले रहे हैं, वो भी क्या है आपका सेल है, वो भी क्या है आपका कोशिका है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप अंडा देख रहे हैं ना, वो अंडा भी क्या है आपका सेल है, लेकिन उसके लिए भी आपको सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत नहीं हो रही है। यह तरह तरह की कोशिकाओं के चित्र दिए गए हैं, इनका भी अवलोकन करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ कोशिका को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, कुछ को हम बिना माइक्रोस्कोप को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं किसके, आपके कोशिकाओं के। जैसे कि पहला दिया हुआ है आपका तंत्रिका कोशिका, है ना, मतलब कि एक है आपका नर्व सेल है, जो भी आपको समझ आ रहा है एक से दूसरे जगह लेके जा रहा है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना। ग्रंथिक कोशिका, ये आपका ग्लैंड्स होता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से उसका सेल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि उसकी आकृति, उसका आकार किस प्रकार से अलग अलग है, है ना। यहाँ पर आपको क्या है, पेशिक कोशिकाएं देखने को मिल रही है, रेखित कोशिकाएं देखने को मिल रही है, अरेखित कोशिकाएं देखने को मिल रही है, हृदय कोशिकाएं देखने को मिल रही है ना। मतलब कि अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग टाइप का सेल्स देखने को मिल रहा है ना, अलग अलग आकार का, अलग अलग आकृति का। ये आपका रक्त कोशिकाएं हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें। ये आपका क्या है, लिवर सेल, है ना, ये हो गया। और ये क्या है आपका, जनन कोशिकाएं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगे, सबका अलग अलग फंक्शन होता है ना, सबका जो संरचना है वो अलग है, जो कार्य है वो सबका अलग है, आकार आपको अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सारे किसके अंदर आते हैं, कोशिका के अंदर ही आते हैं, ये सारे आपको कोशिका ही बोलोगे। तो चित्र क्रमांक चार, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में आपको किस किस प्रकार के अंतर दिखाई दिए। तो आपका अगर अंतर बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आकार तो अलग ही है ही, आकृति अलग है, इसके क्रियाएं भी आपके क्या हो जाएंगी, अलग होंगे। तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इतने अंतर के बावजूद, चाहे एक कोशिकाएं जीव हो या बहु कोशिकाएं, इनमें सारी, है ना, सारी मूल जैविक क्रियाएं, चाहे आप एक कोशिका ले लो, चाहे आप बहु कोशिका ले लो, उसमें जो भी आपका जो कार्य करते हैं, जैसे कि पोषण, है ना, मतलब कि खाना खाना, श्वासन, सांस लेना, प्रजनन, है ना, बच्चे पैदा करना, उत्सर्जन, आपका जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, कोशिका में चलती रहती है, ये सारी क्रियाएँ किसके अंदर होती हैं, आपकी कोशिका के अंदर होती हैं, ठीक है। बहु कोशिकाएँ जीवों में अलग अलग कोशिका या कोशिकाओं के समूह आपसी संबंध से जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, ठीक है। एक कोशिका की बात कर रहे हैं, चाहे हम बैक्टीरिया ले ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी आपका फंक्शन है, पोषण, श्वसन, आपका प्रजनन, है ना, ये सारी चीज़ें एक ही सेल के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम बहु कोशिकाएं की बात करते हैं, जैसे कि उस चित्र में देखा हुआ था, तो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, आपके सारे कार्य को संपन्न करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कोशिकाओं का अध्ययन, प्रारूपिक कोशिका, ठीक है, द टिपिकल सेल के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने कोशिका की कुछ बुनियादी समानताओं को ध्यान में रखकर कोशिका का मॉडल बनाया, जिन्हें हम प्रारूपिक कोशिका कहते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन किए, तरह तरह के क्या देखे होंगे, सेल्स देखे होंगे, है ना, फिर उसको क्या किया, एक मॉडल बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, मॉडल बना दिया। उसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल सेल। कि अगर आप ये सेल देख रहे हैं, ये कोशिका देख रहे हैं, तो मोस्टली सारे कोशिकाएं में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका के प्रारूपिक नामांकित चित्र इस प्रकार हैं। तो जब हम क्या देखेंगे, दो ठो के यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे कि हमारा क्या है, एक हो जाएगा आपका,
ये है आपका पादप का, ठीक है, पेड़ का, और दूसरा क्या है आपका जंतु का, ठीक है। दो कोशिका आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके एक तैयार किया है मॉडल, जो मोस्टली आपको जो इसमें हम देखेंगे, जैसे यहाँ लाइजोजम है ना, ये जो क्या है आपका लाइजोजम है, वो देखिए दोनों में मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये देखिए, ये दोनों जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं आपका कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य यानी होता है साइटोप्लाज्म, ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। रिक्तिका वैक्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी देखना है और आपको क्या बोलते हैं सिमिलरिटीज़ भी देखना है। जैसे कि यहाँ पर जो रिक्तिका है वो बड़ा है, वहाँ पर छोटा है, ठीक है। गोल्गी का गोल्जी का है ना, ये देखिए, ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच में है, यहाँ पर ये साइड में है। अंतः प्रद्रव्य जालिका मीन्स क्या है आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये आप बोल सकते हैं लवक, है ना। लवक सिर्फ किस में आपका पाया जा रहा है, पादप में, है ना, आपका पेड़ में ही पाया जा रहा है। कोशिका झिल्ली, ठीक है, आपका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि आपको दो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहला क्या, यहाँ पर आपका क्या है लवण, है ना, जो क्रोलोप्लास्ट है और कोशिका भित्ति है, वो सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे और डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जो रिक्तिका है वो क्या है आपका बहुत बड़ा है, यहाँ पर छोटा सा है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बेसिक देखें तो वहाँ पर न्यूक्लियस बीच में है, यहाँ पर आपका साइड में है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका टिपिकल सेल है, और ये सारी चीज़ें आपको ये याद रखना है, जिसके बारे में हम वन बाय वन डील भी करेंगे। लाइजोजोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, आपका क्या है साइटोप्लाज्म हो गया, वैक्यूल हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारी चीज़ें के बारे में हम वन बाय वन डील करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपको दोनों कोशिकाओं में क्या क्या समानताएं दिखाई दे रही हैं। जैसे कि पहले ही हमने देखा था कि बहुत सारे जो कोशिका अंग है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वो दोनों में हमको दिखाई दे रहे हैं। लाइजोसोम, गोल्गी बॉडी हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो ये दोनों समानताएँ आप लिख सकते, सारी समानताएँ आप लिख सकते हैं। पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोई एक कोशिका अंग को ढूंढिए जो जंतु की कोशिका में दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या नहीं दे रहा था हमको, क्रोलोप्लास्ट लवक नहीं दिखाई दे रहा था, और कोशिका भित्ति, है ना, सेल वॉल हमको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसमें से आप कोई सभी एक लिख सकते हैं। आजकल कई वैज्ञानिक तो एक कोशिकाएं जीव को ही प्रारूपिक कोशिका मानकर अध्ययन करते हैं, इससे उन्हें कोशिका के जीवत क्रियाशील रूप का भी आभास मिलता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है ना, पहले से ऑलरेडी हमने टिपिकल सेल देखा, प्रारूपिक रूप देखा, तो उसमें क्या है आपका बेसिकली वो आप देखेंगे तो बहु कोशिकाएँ का है। लेकिन आजकल कुछ क्या बोलते हैं वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, एक कोशिका को ही क्या बोल रहे हैं प्रारूपिक रूप मान के उसका अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहे अपने बॉडी के बारे में पढ़ो या फिर दूसरे जीव के बॉडी में पढ़ो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ना एक आपको मॉडल तो चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से अध्ययन कर सकें, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ा भी रही हूँ, तो ये तो सिर्फ आपका पीपीटी है, आपके पास बुक है, बिना बुक के आप क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो वैसे अध्ययन के लिए भी उनको प्रारूपिक रूप चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए कुछ वैज्ञानिक एक कोशिका को ही मान रहे हैं कि हाँ, उसी को बेसिस बना के उस पर और अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, महज 200 साल में हमने ऐसे सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है जिसे हम किसी कोशिका को 10 गुना से लेकर 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल तक इतना काम किया है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ है, उसको 10 गुना से लेकर 5 लाख गुना बड़ा करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, आप जूम करते हैं तो छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई देती है ना, तो वो कुछ हद तक ही आपका क्या होता है मैक्सिमाइज होता है, लेकिन ये क्या होता है 10 गुना से लेकर 5 लाख गुना बड़ा हो सकता है। अभिरंजन
तकनीक भी इतनी विकसित हो गई है कि कोशिकाओं की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है, तो अभिरंजन मतलब होता है स्टैनिंग, जैसे कि हम आल्ता ले रहे थे, सेफ्रिन ले रहे थे, है ना, ब्लू इंक ले रहे थे, उससे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं उनको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे देती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका व्हाइट कपड़ा है उसमें अगर छोटा सा भी दाग लगता है तो तुरंत दिखाई देता है, तो वैसे ही वो क्या करता है आपका अभिरंजन, वो और क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, जिससे हमको और अच्छे से चीज़ें देखने को क्लियरिटी मिलती हैं। ठीक है, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य बहुत जटिल हैं। ठीक है, अगर हम कोशिका की संरचना देख रहे हैं, उसके कार्य को देखते, तो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा जटिल कठिन होता है उसको देखना कि कैसे संरचना है, कैसे वो कार्य करते हैं, तथा उनकी जानकारी अभी भी अधूरी है और उन पर शोध जारी है। मतलब कि क्या है, इतना ज़्यादा है कि इतना टाइम होने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ हम देखने को मिल जाता है, अभी भी उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं और न्यू चीज़ें हमको जानकारी मिलते जा रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कोशिका में उनके कार्यों के आधार पर कोशिका की उपस्थिति व संख्या में विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि उसका कार्य हो गया या फिर क्या बोलते हैं, वो सब उपस्थिति है कितनी है उस पर आपको डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, टिपिकल सेल तो देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें दिखा दिया, क्रोलोप्लास्ट उसमें दिखा दिया, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें जो आपको कोशिकाएं अंग देखने को मिल रही हैं, सेल पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो आपको सारे सेल्स में ही देखने को मिले, है ना, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ वो एक क्या है, मॉडल है, वो हर सेल्स में मिल जाए आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या को भी प्रारूपिक कोशिकाओं में दर्शाया नहीं जाता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि ज़रूरी नहीं, जैसे कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ दिखाया गया था, एक ही क्या बोलते हैं आपको वैक्यूल दिखाया गया था, एक ही आपको क्रोलोप्लास्ट दिखाया गया था, लवक दिखाया गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक हो, उसमें बहुत सारे भी क्या होते हैं, संख्या पे रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको दर्शाने के लिए हम एक ही उसमें दर्शाते हैं। जैसे क्रोलोप्लास्ट की ही बात करें तो वो क्या है, सारे ग्रीन है ना, जितने भी आपको हरी चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर एक क्या बोलते हैं पौधों में वो प्रेजेंट रहे, है ना। और आप देख सकते हैं कि हम उसका जो आकार है उसको हमने सिर्फ ऐसे ही एज्यूम कर लिया है, ज़रूरी नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा। अगर हम उसको क्या करते हैं, पैमाना लेते हैं, कुछ भी पैमाना ले लेंगे, तो उसका आकार कैसे होगा, यदि कोशिका का व्यास है ना 30 मीटर हो तो वो लगभग 6 मीटर के का केंद्रक, लगभग 1 मीटर का माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जैसे छोटे छोटे अंग लगभग 1 सेंटीमीटर के होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपका क्या है, ये सेल है, उसका व्यास कितना है, 30 मीटर है, तो 30 मीटर में क्या रहेगा, 6 मीटर क्या रहेगा, आपका केंद्रक रहेगा, कितना रहेगा आपका, 6 मीटर रहेगा। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, लगभग 1 मीटर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, आपका राइबोसोम हो गया, छोटे छोटे जो अंग है ना, जो भी लाइसोसोम वैक्यूम ये सारे कितने होंगे आपके, कम से कम 1 सेंटीमीटर के होंगे, है ना। तो हमने क्या किया है, जो टिपिकल सेल भी देखा है उसमें हमने कुछ आकार का मेंशन नहीं किया है, उसका संख्या का मेंशन नहीं किया है, और ज़रूरी नहीं जो हमने क्या बोलते हैं सेल पार्ट्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं वो सारे सेल्स में भी आपको मौजूद मिलेंगे। ठीक है, ये अनुपात अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, और ये जो अनुपात है, ज़रूरी नहीं 30 मीटर का लिए हैं तो हमेशा ऐसा ही रहे, अलग भी हो सकता है और आपका सेल अलग अलग हो सकता है, जैसे आपने देखा हुआ है ना कि आपका ब्रेन सेल, नर्व सेल, आपका क्या बोलते हैं ग्लैंड सेल, लिवर सेल, हार्ट सेल, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उसमें भी आपको कुछ क्या बोलते हैं उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो रहेगा वो भी अलग अलग रहता है। अतः प्रारूपिक कोशिका का चित्र एक व्यवस्था का निरूपण मात्र है। तो सिर्फ आपको वो क्या किया है, आपको जानने के लिए कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, जानकारी देने के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका का संगठन। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कि कैसे वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, संगठन रहते हैं। तो कई अंग कोशिका झिल्ली से ही बने हैं। सबसे पहले तो क्या है, कोशिका एक ढांचा है जो क्या होता है, निरंतर चेंज होता रहता है ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो समय समय में क्या होता रहता है, चेंज अपने आप को करता रहता है। ठीक है, ये आपको जानना है। कई अंग कोशिका झिल्ली से ही बने होते हैं। ठीक है, जो शुरू में हमने देखा था ना कोशिका झिल्ली, तो कुछ अंग क्या होते हैं, इसी से ही बने होते हैं। ठीक है, हम उनका अध्ययन अत
मूलतः झिल्ली तंत्र के अंतर्गत करेंगे, और जो क्या रहेगा आपका इसी झिल्ली से बना हुआ है उसको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा अंग है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है उसको हम कौन से पार्ट में पढ़ेंगे, आपका अंतः झिल्ली तंत्र में पढ़ेंगे। फिर आता है कुछ अंग ऐसे हैं जो कोशिका में किसी अन्य जीव के प्रवेश करने और कोशिका के साथ उसकी सहजीविता से बने हैं, ठीक है। तो कुछ क्या हो गया, एक तो झिल्ली से बन गए, कुछ क्या हो गया बाहर से आ गए, बाहर से आके इसी में रहने लगे और दोनों में सहजीविता हो गई, को एग्जिस्टेंस बोलते हैं, दोनों एक साथ रहने लग गए और उससे भी क्या हो गया, कुछ चीज़ें बन गई। तो ऐसे अंगों का हम अंतः सहजीविता अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जो सेल मेम्ब्रेन से बनेगा उसका हम अलग पढ़ेंगे, जो बाहर से आए हैं और रहने लग गए हैं सहजीविता दिखाते हैं उसको भी हम क्या करेंगे अलग उसमें पढ़ेंगे तंत्र में, ठीक है। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे क्या, कोशिका के अंगों में किस प्रकार के संबंध है सोचकर लिखे, ठीक है। कोशिका के अंग हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके संबंध होते हैं, जो भी आपका कार्य है वो सब एक दूसरे से आपका करते हैं। जैसे अब आगे पढ़ेंगे कि कौन सा जैसे राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटीन गोल्गी बॉडी में जाता है ना, फिर ये क्या होंगे, फिर न्यूक्लियस में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ काम करती रहती हैं। जैसे कि आपको खाना खाना है तो हाथ आपका रोटी तोड़ेगा, है ना, वो मुँह चबाएगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो आपका ओसोफेगस में जाएगा, फिर वो स्टमक में जाएगा। तो ऐसे जो कार्य होते रहते हैं ना, वैसे ही क्या रहता है इसमें भी आपका क्या होगा, एक दूसरे से जो सेल के अंग है एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकाएं। तो अंत क्या बोलते हैं, अंतःझिल्ली मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, कोशिका झिल्ली से बने हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन, है ना। इंडो मतलब होता है अंदर, सिस्टम एंड सेल पार्ट्स उससे क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या आएंगे आपके, देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका अंतः द्रव्य झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, ठीक है, और ये गोल्गी काय। ये सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, आपके अंतः झिल्ली तंत्र में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग से आपको और झिल्ली देखने को मिलेगा और इसके अंदर क्या होता है आपका द्रव्य पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आपका अंतः झिल्ली तंत्र बोला जाता है। ये कोशिका अंग एक दूसरे से विभिन्न तरह से संबंध बनाए रखते हैं, और यही जब कोशिकाएँ हैं आपका, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, अलग अलग तरह के से संबंध बनाए रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें एक और अलग से है ना, जैसे कि आपका क्या है, सेल है, सेल में हमने कोशिका में हमने कोशिका झिल्ली पाया था, वैसे अगर हम क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडी की बात कर रहे हैं, गोल्गी काय की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या रहेगा, गोल्गी काय का एक लेयर रहेगा, है ना, एक झिल्ली रहेगा, और उसमें क्या रहते हैं, अलग से द्रव्य रहते हैं। जैसे कि उसमें क्या था आपका, कोशिका द्रव्य था, इसमें आपका क्या रहेगा, गोल्गी काय द्रव्य रहेगा। तो जो द्रव्य रहते हैं अलग अलग रहते हैं, और सभी जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, अंतः झिल्ली तंत्र, उसमें भी एक दूसरे का आपको संबंध देखने को मिलेगा। इसी में इनसे होकर गुजरने वाले पदार्थों के आवागमन की व्यवस्था को भी दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो संबंध है वो किस प्रकार है, कि कैसे एक दूसरे में जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली है वो कैसे जाएगा, आपका अंतः प्रद्रव्य झिल्ली रेक्टिकुलम जिसको हम बोलते हैं उसमें जाएगा, फिर कोशिका झिल्ली से जा सकता है, फिर कोशिका झिल्ली से आपका क्या बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली, फिर केंद्रक झिल्ली, आपका ये क्या रहेगा, गोल्गी काय में जा सकता है, ये लाइसोसोम में जा सकता है, लाइसोसोम गोल्गी काय में जा सकता है, गोल्गी काय आपका अंतः प्रद्रव्य झिल्ली, यानी कि कोई भी कहीं से भी जा सकता है। ये साइन क्या बोल रहा है, ये इधर ऊपर से नीचे भी आ सकता है और ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे पे क्या करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संबंध देख सकते हैं कि उसका आगमन कैसे होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में कोशिका झिल्ली तक पदार्थों के आवगमन के किन्हीं तीन भागों को लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि कोशिका में कोशिका झिल्ली तक पदार्थ के आवगमन के किन्हीं तीन भागों मतलब होता है रूट को लिखना है। तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका सरल प्रसार आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, प्राथमिक सक्रिय परिवहन,
दूसरा होता है द्वितीय सक्रिय परिवहन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका हो सकता है। आइए हम इन तंत्र के विभिन्न कोशिकाओं की संरचना को और गहराई से जानने का प्रयास करें। जो भी हमने वहाँ पर देखा था ना, पांच स्ट्रोक हमने क्या देखा था, देखे थे कोशिका अंग सेल पार्ट्स को, तो उसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन उसके संरचना को स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है उसके लिए हम देखेंगे क्या आपका क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा रहेगा आपका, कोशिका झिल्ली के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। आपको क्या करना है, जो रियोलिप्था है ना, जो रियोलिप्था उसको हमको क्या करना है, आपको ले लेना है उसी से, और फिर पतला झिल्ली ले लीजिए आप। फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम आप क्या लेंगे, एक बीकर ले लीजिएगा, ठीक है। आप क्या लेंगे, बीकर ले लेंगे। बीकर में क्या करेंगे, शक्कर का घोल बना लीजिएगा। शक्कर का घोल बना के क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, ठीक है। कुछ टाइम तक डालने के बाद आप क्या करेंगे, जब उसको ऑब्जर्व करेंगे सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर उसके अंदर जो रहेगा वो कोशिका द्रव्य रहेगा, ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका, कोशिका भित्ति, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये क्या है आपका, कोशिका भित्ति है, जो सिर्फ आपको किस में मिलेगा, पादप में मिलता है। तो सबसे पहले क्या था आपका, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा, कुछ इस प्रकार से पत्ती दिखेगी, उसकी कोशिकाएं दिखेगी। जब आप क्या करेंगे, उसको सांद्र शक्कर में डाल देंगे, है ना, मतलब कि शक्कर के घोल में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपको, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका, कोशिका झिल्ली है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, कोशिका भित्ति है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, कोशिका द्रव्य रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले कैसे था, अब वो क्या हो गया है, सांद्र में जब हमने डाला है तो वो क्या हो गया, सिकुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पर इस अवस्था को कोशिका द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य कुंचन। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसको हम क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी क्या है, द्रव्य है ना, इसमें भी क्या रहता है, द्रव्य है, मान के चलिए पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये क्या है, शक्कर का पानी है। तो ये क्या हो गया, इसका जो सांद्रता है वो ज़्यादा हो गया, तो ये पानी क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल के क्या हो जाता है, इसमें चले जाता है, ठीक है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, और यही सिकुड़न को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, या फिर हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कुंचन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें। अब यहाँ पर अगर हम बोल सकते हैं कि अगर ये पानी रहता है ना, ये क्या है आपका, शक्कर पानी की जगह अगर ये सिर्फ पानी रहता, और ये क्या रहता है आपका, ये थोड़ा सांद्र रहता, इससे ज़्यादा सांद्र ये रहता, तो ये पानी किसके अंदर जाता, इसके अंदर चले जाता, और ये क्या हो जाता, और फूल जाता, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, कोशिका द्रव्य संकुचित कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने उसको शक्कर के घोल में रखा था, तो जो क्या बोलते हैं, कोशिका का जो द्रव्य था वो कहाँ पर चले गया, शक्कर के पानी में चले गया, इसलिए वो क्या हो गया, उसका संकुचित हो गया। ऐसे ही जब सांद्रता के अंदर अंतर के कारण द्रव्यों को बाहर बाह्य किसी झिल्ली के माध्यम से होता है, तो उसे परासरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सांद्र, सांद्र क्या हो गया, सांद्रता के अंतर। तो यहाँ पर जब हमने देखा था क्या, कि जो शक्कर का घोल है उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती है किससे, पानी से, इसलिए वो पानी बाहर निकल के कहाँ चले जाता है आपका, शक्कर में चले जाता है। तो यहाँ पर आप अंतर दिखाई दिया, जिससे वो क्या हो गया, बाह्य किसी झिल्ली के माध्यम से। तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, कोशिका झिल्ली थी, जिससे वो बाहर निकल गया, और ऐसे क्या कहते हैं उसको, परासरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, परासरण, ठीक है। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्यों के अवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है, कोई से भी कोशिका द्रव्य के अवगमन है ना, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे द्रव्य रहते हैं, उसका आना जाना कौन निर्भर करता है आपका, कोशिका झिल्ली, ठीक है।
यह प्रमुख रूप से वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी हुई है? वसा, वसा मतलब होता है फैट, और ये प्रोटीन से बनी होती है। यह लचीली लचीला स्वभाव की होती है, मतलब क्या रहेगी उसमें, लचीलापन रहेगा, मतलब आप मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, है ना, इलास्टिसिटी उसमें आपको देखने को मिलेगी। कोशिका झिल्ली से कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण में पदार्थों का चयनित रूप से आवगमन होता है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये जो कोशिका झिल्ली है उसमें से कुछ पदार्थ आने हैं, कुछ जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ को आने देती है, हर चीज़ को जाने देती है, वो सेलेक्ट करती है कि क्या चीज़ उसको बाहर जाने देना है, क्या चीज़ उसको अंदर जाने देना है, ठीक है। तो वो क्या करती है, पूरा चयन करती है कि किसका आना जाना होगा, इसलिए इसे चयनात्मक परियसस झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि वो सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये क्या रहती है, इसका काम क्या रहता है, वो उसको आकार देता है, उसको आकृति देता है, उसको क्या करता है, आपका सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और जो कोशिका द्रव्य है उसको क्या करता है, रोक के रखता है, ठीक है, उसको आप उसका शेप देना, उसका क्या बोलते हैं आकार और उसका सुरक्षा कौन करता है, आपका कोशिका झिल्ली करती है, ठीक है। आई होप कि आपको कोशिका झिल्ली अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली नहीं होती तो इसका कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता, अब यही बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं, अगर वो सेलेक्ट ही नहीं करती, किसी को भी आने देती थी तो क्या प्रभाव होता, तो कुछ भी बेकार सी चीज़ें क्या हो सकती हैं, जो भी हमारे लिए हानिकारक चीज़ें हैं वो भी सेल में जा सकती हैं और उसको क्या कर सकती हैं, हम नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, ये चयन करके ही किसी चीज़ को आने जाने देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक कोशिका झिल्ली पर ऐसे पहचान चिन्ह होते हैं, तो जितने भी आप क्या करेंगे, कोशिका देखते हैं तो कोशिका के उसमें क्या रहेगा, एक कोशिका तो है नहीं, बहुत सारी कोशिका हैं, तो कोशिका पे क्या रहती है, पहचान चिन्ह रहती है ना, वो क्या करती है आपका, आप जान सकते हैं कि एक जितने भी आपने पढ़े हैं वो सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपका क्या है, बच्चा भी बनता है तो वो सिर्फ एक सेल का रहता है और फिर वो क्या होता है, बड़ा बड़ा होकर बहु कोशिकाएं बनता है। तो वहाँ पर क्या आपका बोला गया है, पहले से ही उसमें पहचान चिन्ह होती है, जो क्या हो जाएगा जब धीरे धीरे जब वो डिवाइड होते रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, सभी कोशिकाएँ क्या रहती है, उसमें अलग अलग पहचान चिन्ह रहती हैं, वही पहचान चिन्ह को वो क्या करती हैं, जानती हैं और आपस में जुड़ाव करती हैं, जुड़ाव करती है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो अलग अलग डिवाइड होंगी, फिर अलग अलग जगह है ना स्थानांतरित होती रहती हैं, एक जगह डिवाइड हुई तो दूसरे जगह वो जाके स्थानांतरित होगी, तो वही सर्टन साइट वही पहचान चिन्ह से वो एक दूसरे को पहचानती हैं, फिर जुड़ती हैं, ठीक है। जुड़ने के बाद वो क्या करती, कोई सहजीविता बताती हैं और उसी से फिर आपका क्या बनता है, टिशू बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पहचान चिन्ह है वो मददगार रहता है। इसके अलावा सजीव के शरीर में यदि कोई बाहरी कोशिका आ जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसे अन्य विचायती कोशिका के रूप में पहचान पाती हैं, तो यही कारण है कि ऑलरेडी उसमें पहचान चिन्ह है, तो कोई दूसरा बाहर से सेल आएगा तो वो क्या करेगा, उसको पहचान जाती है और वहां से भगा देती है, ठीक है। विजातीय मतलब होता है फॉरेन, जो बाहर से आएगा उसको वो भगा देती है, पहचान लेती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहचान चिन्ह का क्या रोल होता है। हमने क्रियाकलाप 4 में पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कुंचन का अध्ययन किया है, ठीक है। इसी क्रियाकलाप में हमने पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को देखने का भी प्रयास किया। चलिए अंडे के प्रयोग से हम जंतु कोशिका की झिल्ली का भी अवलोकन करें। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, प्लांट का किया था, है ना, लीफ लिया था, उसका हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कुंचन, है ना, कोशिका द्रव्य का कुंचन देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम अंडा लेंगे और उसमें क्या करेंगे, अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, अंडे की झिल्ली का अवलोकन हम क्या करेंगे, अंडे की झिल्ली का अवलोकन करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इस क्रियाकलाप के लिए हमें अंडा, सिरका, शक्कर का सांद्र घोल, बीकर, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सा भी आप ले लीजिए, क्या अंडा, ठीक है, अंडा ले लेना है आपको, एक ग्लास ले लीजिए, सिरका ले लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, अंडे को डाल दीजिए, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखेंगे, एक दिन बाद, है ना, दो दिन बाद आप देखेंगे कि जो अंडा का जो वाइट वाइट कलर का परत रहता है, जिसको हम क्या बोल किससे बना रहता है, कैल्शियम
कार्बोनेट से बना रहता है वो क्या करेगा, जब आप सिरका, सिरका मतलब होता है एसिटिक एसिड, जब आप उसको डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये जो वाइट कलर का जो भित्ती रहता है वो क्या हो जाएगा आपका, गल जाएगा। तो गलने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको अंडा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, सिरका ने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा गला दिया है और आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, यही अंडे को आप क्या करेंगे, शक्कर का घोल बनाएंगे, ठीक है, सांद्र बना देंगे और फिर उसी इसी अंडे को आप क्या करेंगे, डाल देंगे। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका अंडा है और ये जो आपको झिल्ली दिखाई दे रही है वही आपका क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। और ये इसका भी क्या हुआ है, कुंचन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें भी मान के चले कुछ द्रव्य है लेकिन इसकी सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है, और इसकी क्या है, इसकी ज़्यादा है। तो ये द्रव्य कहाँ चले जाएगा, आपका इधर चले जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है, इसका कुंचन हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इस अंडे में क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो गया है, वो भी उसका भी कुंचन हो गया है, है ना, आपका क्या बोलते हैं, अंडे का जो द्रव्य है उसका कुंचन हो गया। उसका कारण क्या है, सांद्रता का अंतर, ठीक है। उसमें भी क्या आपको देखने को मिल रहा है, पर असरण देखने को मिल रहा है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यह कठोर अथवा लचीली छिद्रमय परत होती है जो कोशिका को एक निश्चित आकार व सुरक्षा प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति मोस्टली आपको किस में देखने को मिलेगी, सिर्फ पेड़ में देखने को मिलेगी, आपको जंतु के कोशिका में देखने को नहीं मिलेगी। और उसका कार्य क्या रहता है, यह कठोर है, ठीक है। उसका कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो कठोर है, लचीला होता है, ये भी आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। छिद्रमय मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा छेद देखने को मिल जाएगा। और कोशिका का एक निश्चित आकार, कोई सा भी कोशिका है उसका निश्चित आकार वो बताएगा और क्या करेगा, सुरक्षा भी प्रदान करेगा, है ना। जीवित कोशिकाओं से ही इस परत का निर्माण होता है। और क्या होगा, आपका जो जीवित कोशिका होता है इसी परत से निर्माण होता है, ठीक है। और ये किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज से बना रहता है। ये किससे बना रहता है, सेलुलोज से बना रहता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है, तो यहाँ पर बोला गया है कोशिका झिल्ली और आपका कोशिका भित्ति में क्या अंतर है, ठीक है। ये किससे बना रहता है, आपका वसा से बना रहता है। और किससे बना रहता है, प्रोटीन से बना रहता है। ये किससे बना रहता है, आपका सेलुलस से बना रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका है, तो ये आखिर में क्यों आपका पादप में दिया जाता है और आपका क्या है, क्या बोलते हैं, जंतु में नहीं दिया जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी पादप हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। तो बहुत सारा धूप आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है, तो उसकी कोशिका जो है नष्ट ना हो जाए, उसके लिए वो क्या करती है, एक्स्ट्रा सुरक्षा उसको प्रदान करती है, ठीक है। तो यही उसकी भूमिका है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्मा। और चलिए आगे देखते हैं, कोशिका द्रव्य देखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य एक आधार द्रव्य है जिसमें संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ व अपशिष्ट पदार्थ आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका झिल्ली आपको है, उसमें क्या रहेगा, जितने भी आपके द्रव्य रहते हैं, मतलब कि ये क्या आपका केंद्रक है, केंद्रक से बाहर और ये जो कोशिका भित्ति है उसके बीच में जो भी द्रव्य आपके पाए जाते हैं वो क्या रहते हैं, आपके कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ये किस टाइप का रहता है, जाली लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा रहेगा आपका, जाली लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, रखता है, ठीक है। उसका ये क्या है, सीमा करता है, सीमित करता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है, ठीक है। इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, लाइसोसोम देखने को मिलेगा, जितने भी आपके कोशिका अंग है, सेल पार्ट्स है, वो सारे इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपका न्यूक्लियस भी क्या है, इसी के अंदर है। और इसी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य एक आधार द्रव्य है ना, उसी में क्या रहेगा, पूरा आधार है, आप जो भी देखेंगे सेल पार्ट सारे इसी में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, संचित पदार्थ। संचित मतलब क्या होता है, स्टोर्ड जो भी आपका चीज़ें हैं, स्रावी पदार्थ है ना, सेक्रेटरी, अपशिष्ट जो भी आपका जो बेकार है, एक्सेटरी है, वो सारी चीज क्या है, इसी में पाए जाते हैं, ठीक है।
कोशिका द्रव्य में आमतौर पर पानी की मात्रा अधिक होती है, और इसमें किसकी मात्रा ज़्यादातर अधिक होती है? आपकी पानी की मात्रा अधिक होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में कोशिका द्रव्य क्या है। ठीक है, फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, सन 1831 में कोशिका के मध्य में जिस संरचना को देखा उसे न्यूक्लियोलस केंद्रक नाम दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रॉबर्ट कॉर्क, है ना, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, आपका सेल बताया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया, आपका न्यूक्लियस केंद्रक को बताया है। ठीक है, जो 1831 में क्या बोलते हैं बताया गया था, जिसको ये रहा आपका बीच में जो आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। ठीक, यह कोशिका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी संरचना में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये आपका क्या रहता है, कुछ आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या है, रस्सीनुमा आपका दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, है ना। ये क्या रहता है, आपका क्रोमेटिन रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस, है ना। आपका क्या न्यूक्लियस के अंदर भी क्या रहेगा, गोलाकार का आपको पार्ट दिखाई देगा, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहती है, झिल्ली रहती है, जो क्या करती है, आपका कोशिका द्रव्य और क्या को अलग करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और इससे आने जाने के लिए क्या रहता है, छोटे छोटे पोर यहाँ पर दिए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन है उसका काम क्या रहता है, जब सेल डिवाइड होते रहते हैं, जब कोशिका क्या होती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी, तो ये जो थ्रेड लाइक है वो क्या रहता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का शेप ले लेता है। आपने कुछ इस प्रकार का देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, है ना, क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिड्स ये। ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है, ये क्या रहता है, अनुवांशित रहता है, मतलब कि हेरिडेटरी कैरेक्टर रहता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। तो एक्चुअली में इसका काम क्या रहता है, जो भी उसका क्या बोलते हैं कार्यों को नियंत्रण करना रहेगा। नियंत्रण क्यों कौन करता है, आपका न्यूक्लियस रहता है। किसी भी सेल का गुण धर्म क्या रहता है, यही बताएगा कि कौन सा क्या बोलते हैं सेल क्या काम करेगा, है ना। इसमें क्रोमेटिन पाए जाते हैं, जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स को आपको बताएगा कि आपका हाइट कितना रहेगा, आपका कलर क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। ठीक है, डिपेंड किस पे रहता है, आपका न्यूक्लियस पे रहेगा। वो सारे कार्य का नियंत्रण करना, उसका संचालन करना, वो सारी चीज़ें किसका रहता है, आपका न्यूक्लियस का काम रहता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो क्या है आपका केंद्रक झिल्ली है, तो उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, द्रव्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, दूसरा द्रव्य है, और उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली देखने को मिल रहा है। और यही केंद्रक झिल्ली क्या है, आपका वर्गीकरण का एक कारण भी है, है ना। जैसे कि आपने प्रोकैरियोटिक सुना होगा, यूकैरियोटिक सुना होगा। प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने पादप और जंतु कोशिका में से किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया है होगा। तो रॉबर्ट हुक ने पादप और जंतु कोशिका में किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया होगा, तो सारे जो भी है आपके सेल पार्ट्स वो सारे किए हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पर है क्या, स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं एवं पौधों के फोलम ऊतक की एक प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो स्तनधारी यानी कि मैमरी है ना, मैमलियन, ठीक है, जो मैमलियन रहते हैं उनका जो रक्त है, लाल रक्त है, मतलब कि RBC है, और क्या बोलते हैं पौधे के फॉलम है ना, जो क्या रहता है खाने को पहुँचाने का काम करता है, उसमें क्या रहते हैं आपका कोई प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती, सॉरी केंद्रक नहीं होता है। क्यों नहीं रहता है, असल में इनमें शुरुआत में तो केंद्रक होते हैं, मगर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे पदार्थ के संवहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थान उपलब्ध हो। तो उसमें क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर वो रहेगा तो वो ज़्यादा नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, उसके संवहन के लिए वो क्या होता है, पहले उपस्थित रहते हैं, बाद में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।